प्रभु मैं कुछ दिनों पहले इंद्रलोक गई थी, वहाँ मैंने मोबाइल की बहुत सारी लोकप्रियता सुनी, इसलिए मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए। देवी, पृथ्वी लोक की हर वस्तु हानिकारक होती है और मोबाइल फ़ोन तो आपके लिए सही नहीं, इसलिए मैं आपको मोबाइल फ़ोन नहीं दिला सकता हूँ। आप मुझे मोबाइल फ़ोन दिलाइए बस। देवी, आपका जिद करना हमसे सही नहीं, मैं आपको मोबाइल फ़ोन नहीं दिला सकता। अगर आप मोबाइल फ़ोन नहीं दिलाएंगे तो मैं भोजन भी नहीं करूँगी और ये लोग छोड़ के भी चली जाऊँगी। देवी, आपका भोजन त्याग करना आपके लिए सही नहीं और आपका हट आपके लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको मोबाइल फ़ोन नहीं दिला सकता, आप हमसे जिद ना करें। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप मुझे पता है आप मुझे नहीं दिलाएंगे मोबाइल फ़ोन। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे जगपालक भक्त वात्सल भगवान विष्णु जी की जय। अरे देव ऋषि, आप पधार गए जी? आइए आइए। भगवान, कहीं माता लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही हैं? अरे देव ऋषि, मैं आपसे क्या कहूँ, आपकी माता जी गई थी भ्रमण के लिए और वहाँ उन्होंने मोबाइल की लोकप्रियता सभी को मुखों से सुना और आकर के हमसे हट कर बैठी। हमें भी मोबाइल फ़ोन चाहिए। मैंने तो उनको बहुत समझाया कि मैं आपको मोबाइल फ़ोन नहीं दिला सकता, पर उन्होंने जीत कर बैठी। मैं भोजन त्याग कर दूंगी, जल ग्रहण नहीं करूंगी, और मैं समझा समझा के हार गया और वो यहाँ से रूट कर चली गई। अतः देव ऋषि, मैं चाहता हूँ कि आप अतिशीघ्र पृथ्वी लोक जाएं और वहाँ जाकर यह पता करें कि ये मोबाइल नामक वस्तु है क्या, इसके क्या लाभ और क्या हानि है। मैं माता लक्ष्मी के शुभ कार्य के लिए अवश्य पृथ्वी लोक जाऊंगा। पिछली बार कलयुग के स्वागत समारोह में जाने का अवसर मिला था भगवान। ठीक है देवऋषि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। तो पृथ्वी लोग आ गए। मृत्युलोक की मोबाइल की माया स्वर्गलोक पर भी पहुंच रही है, उसका परदृश्य देखिए कि देवता वहां से यहां आ रहे हैं मोबाइल। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। अरे नारायण नारायण। यहाँ तो भगवान से ज्यादा मोबाइल को महत्व दिया जा रहा है। नारायण 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 नारायण। अच्छा अस्पताल है। अरे नारायण नारायण, यहाँ जो कार्य भगवान डॉक्टर और सर्जन नहीं कर सकते वो तो एक मोबाइल फोन कर देता है। नारायण 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 नारायण। अरे शमशान घाट, लगता है कोई मृत शरीर है यहाँ पर। शमशान घाट में मोबाइल की माया देखिए। घंटी आती है। नारायण नारायण, ये फोन तो बड़ा ही शक्तिशाली वस्तु है, सोते हुए को हंसा देता है। और ये क्या, ये तो मृत शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? सेल्फी ले रहा है। नारायण 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 नारायण। विडम्बना है। नारायण नारायण। नारायण नारायण,
यह फोन तो बड़ा ही अजीब है, ये तो कब मौत आ गई मनुष्य को पता ही नहीं चलता है। यमराज जी के कार्य में भी लगा है। नारायण नारायण, विष्णु जी को सब बताना पड़ेगा। मोबाइल महाराज अमर रहे, मोबाइलेश्वर महत जय हो। सलाम ए मोबाइल, मोबाइल महाराज की जय हो। अरे मुनिराज, आपका नारायण नारायण उच्चारण मोबाइल में कैसे परिवर्तित हो गया? क्षमा करें भगवान, पृथ्वी लोक की ऐसी विडम्बना देखकर मैं बहुत ही परेशान हूँ भगवान। स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। अब मैं क्या बताऊँ भगवान आपको, पृथ्वीवासी कोई आ रहा है जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने में ही बिजी हैं। और तो और जो लोग पूजा वगैरह करते हैं वो लोग तो फ़ोन में ऐसे बिजी हो जाते हैं जैसे क्या हो, वहाँ पूजा चल रही है यहाँ फ़ोन में बात कर रहे हैं। और तो और जो काम डॉक्टर और सर्जन नहीं कर सकते वो केवल फ़ोन कर देता है, जहाँ फ़ोन बजा नहीं मरीज उसके बैठ जाता है भगवान। और तो और जो शमशान घाट में लोग रो रहे होते हैं उनको चट से हंसा देता है, बड़ा ही शक्तिशाली है भगवान ये तो। और ये मनुष्य की मौत कब आ गई कब हो गई पता ही चलता है भगवान। और तो और भगवान, मैंने बड़ी ही विडम्बना के साथ ये निष्कर्ष निकाला है कि लोग शौचालय भी जाते होंगे तो फ़ोन साथ को मिले के जाते होंगे, जैसे कि कोई ये पेचिस की दवा हो। और तो और भगवान, बच्चे पहले सुबह उठते थे अपने माता पिता के दर्शन करते थे, अब तो पहले उठते हैं अपने फ़ोन के दर्शन करते। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मोबाइल कितने घातक रूप को जाने ही मैंने आपसे जिद कर बैठी, जबकि देवर्षि के बातों से ये प्रतीत हो रहा है कि ये कितनी हानिकारक वस्तु है। भगवान आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। कहिए देवऋषि। भगवान ये मोबाइल इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मनुष्य इसका उपयोग की जगह उपभोग कर रहा है। अगर मनुष्य इसका सही रूप से उपयोग नहीं करेगा तो एक घातक बीमारी में भी पड़ सकता है। हाँ देवऋषि, हमें भी लगता है कि पृथ्वी लोक में यदि मोबाइल का उपयोग कम नहीं हुआ तो पृथ्वी लोक में मनुष्य मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे। भगवान आप बुरा ना माने तो एक एक फोन हम भी ले लें। अरे मुनिराज आपको क्या हुआ, लगता है आप पृथ्वी लोक से आए हैं इसलिए आपको भी वहाँ की हवा लग गई है। अरे नहीं भगवान वो बात नहीं है, वो दरअसल ये है ना कि आपका लोग स्वर्ग लोग ब्रह्म लोग इतना दूर दूर है, आने जाने में बहुत वक्त लगता है, हमारे पास भी एक एक फ़ोन होगा तो बस हाल चाल ले लिया और ख़त्म। अरे मुनिराज अभी आप जाकर विश्राम करें, अभी आपको पृथ्वी लोक की हवा लग गई है। जी भगवान।